नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मस्तूरी से लगे इटवा पाली गांव में भंवर गणेश की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई है। चोरी करने के पहले स्थानीय पुजारी को चोरों ने पहले बंधक बनाया, मारपीट की और मुंह में टेप लगाकर बांधा गया है। मूर्ति चोरी की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंच गए हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र में मूर्ति चोरी सक्रिय हो गए हैं। ग्राम इटवा पंचायत के अति प्राचीन भंवर गणेश की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई। घटना गुरुवार की रात की बताई जा रही है। चोरी के दौरान चोरों ने मंदिर के पुजारी महेश केवट को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ के लिए मंदिर गए तो देखा कि गर्भगृह से मूर्ति गायब है। मूर्ति प्राचीन व बहुमूल्य बताई जा रही है। भंवर गणेश मंदिर से मूर्ति चोरी की जानकारी मिलते ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। सुबह से ही मंदिर में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वर्षों पुराने मंदिर में भंवर गणेश की मूर्ति चोरी होने की घटना से स्थानीय लोगों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मंदिर से पूरे इलाके के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा चोरी की इस घटना से लोग बेहद नाराज हैं। मंदिर के पुजारी सहित सैकड़ों लोगों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। मूर्तियों को बरामद कर अपराधियों को कड़ी सजा देने का आग्रह पुलिस अधिकारियों ने किया गया है। अनुराग साहू की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।